हेलो फ्रेंड्स, अब हमें जो पढ़ना है वो पढ़ना है वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स। वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स पढ़ने से पहले आप हमारा चैनल शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। और कोई भी जो आपको टॉपिक पढ़ना है, जो आपके समझ में नहीं आ रहा है, उसको आप कमेंट कर सकते हैं। उस पर मैं आपको वीडियो बनाऊँगा और आपको ज़रूर समझाऊँगा। चाहे तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर है मेरा 9460689761। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। जो भी आपको टॉपिक चाहिए वो मैं आपको समझाऊंगा। अब हम पढ़ते हैं वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स। ये विधि उसी रैखिक अवकल समीकरणों के लिए लागू होती है अच्छी तरह से, जिनके हमें जो पूरक फलन होता है वो ज्ञात होता है। अब जैसे कि हमारे पास कोई इसको सॉल्यूशन करने के लिए हमारे पास जो कि एक इक्वेशन होगी द्वितीय कोटि की होगी, डी स्क्वायर अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस पी डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस क्यू वाई इक्वल टू आर। इसमें कोई अपने पास ये इक्वेशन होगी। अब मान लेते हैं, हम इसमें मान लेते हैं कि वाई बराबर ए यू प्लस बी वी, इसका सी एफ है, कॉम्प्लीमेंट फंक्शन है, ये सी एफ मान लिया हमने इसमें, जहाँ वेयर ए एंड बी आर कॉन्स्टेंट, हमने ये मान लिया है। तो इसके जो समाकलन के वो हल होंगे वो इस तरह से आएंगे। इसके पास इसमें वाई की जो वैल्यू इसमें रख देते हैं तो ये आ जाता है ए, ये आ जाता है अपने पास, मतलब y की वैल्यू हम डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू रखेंगे और डी डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स वैल्यू रखेंगे, तो बाद में जो ए तो आएगा वो तो कॉमन आके जीरो हो जाएगा, क्योंकि सी एफ की तरफ आर बराबर सी एफ निकालने के लिए हमको इसको जीरो लेना चलेगा। ये लेंगे हम डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस पी डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस क्यू वाई इक्वल टू जीरो। सी एफ के लिए हमारे पास राइट हैंड साइड में जीरो रखते हैं। अब हमें बाई की वैल्यू ये रख देते हैं, तो इससे हमारे पास दो इक्वेशंस आ जाती हैं। वो आ जाती है अपने पास डी स्क्वायर यू अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस पी डी यू अपॉन डी एक्स प्लस क्यू यू इक्वल टू जीरो। इक्वेशन नंबर टू दे देते हैं इसको। और जो दूसरी इक्वेशन आती है वो आती है अपने पास डी स्क्वायर वी अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस पी डी वी अपॉन डी एक्स प्लस क्यू वी इक्वल टू जीरो थ्री, ये आ गया। लेकिन हम हमारे पास जो वाई बराबर ए यू प्लस बी वी, ये तभी से सॉल्यूशन है जब आर बराबर जीरो हो, लेकिन आर बराबर जीरो नहीं होने पर ये हमारे पास सॉल्यूशन नहीं हो सकता, इसलिए हम इसका एक दूसरा सॉल्यूशन मानते हैं। वो सॉल्यूशन हम इस तरह से मानते हैं वाई बराबर ए यू प्लस बी वी, जहाँ ए और बी कोई एक्स के फलन होंगे ना कि कॉन्स्टेंट होंगे। इस बार हमने ये और बी को इस तरह से माना है कि ये कोई एक्स फलन है, तो इस कंडीशन में अपने पास जो आ जाएगा डी वाई अपॉन, इसको इक्वेशन नंबर फोर दे देते हैं। इस कंडीशन में डी वाई अपॉन डी एक्स जो आया वो आया है अपने पास ए को छोड़ के डी यू अपॉन डी एक्स प्लस यू को छोड़ के डी ए अपॉन डी एक्स प्लस बी को छोड़ के डी वी अपॉन डी एक्स प्लस वी को छोड़ के डी बी अपॉन डी एक्स, ये आ गया अपने पास। अब यहाँ हमारे पास ए और बी जो कॉन्स्ट वो हैं वो अज्ञात हैं, तो हम इसको ए और बी का चयन इस प्रकार करते हैं। हम ए और बी इस तरह से चूज करते हैं कि अपने पास जो यू डी ए अपॉन डी एक्स प्लस वी डी बी अपॉन डी एक्स इक्वल टू जीरो हो जाए। जब हमारे पास ये जीरो हो गया यू डी ए अपॉन डी एक्स प्लस वी डी बी अपॉन डी एक्स, या इसको हम ये लिख सकते हैं यू ए वन प्लस वी बी वन इक्वल टू जीरो, इक्वेशन नंबर से ये जब हमारे पास जीरो हो गया तो हमारे पास यू डी यू अपॉन डी एक्स प्लस वी डी बी अपॉन डी यू यू डी ए अपॉन डी एक्स प्लस वी डी बी अपॉन डी एक्स ये जीरो हो गया। लेकिन ए डी यू अपॉन एक्स ये तो अपने पास बचा है, तो डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर क्या बच गया इसके बाद अपने पास ए डी यू अपॉन डी एक्स प्लस बी डी बी अपॉन
DX ये बच गया अपने पास, ये अपने पास क्वेश्चन नंबर छः छः आ चुकी है, इसको क्वेश्चन नंबर 7 दे देते हैं, ये आ गया अपने पास। अब हमें इसका एक बार फिर से डिफ्रेंशिएशन कर देना है, यह आ जाएगा डी स्क्वायर बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए को छोड़ के डी स्क्वायर यू अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस, इस बार डी यू अपॉन डी एक्स को छोड़ दिया तो डी यू अपॉन डी एक्स डी ए अपॉन डी एक्स ये हो गया अपने पास। प्लस इस बार बी को छोड़ दिया बी डी स्क्वायर बी अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस बी, इस बार डी बी अपॉन डी एक्स को छोड़ दिया डॉट डी बी अपॉन डी एक्स ये आ गया अपने पास। ये क्वेश्चन नंबर 8 दे देते हैं। अब हम ये जो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर आया है, डी वाई अपॉन डी एक्स आया है, ये वाई आया है, ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो अपने पास थी, ये पी डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस पी डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस क्यू वाई इक्वल टू आर, इसमें रख देते हैं वैल्यू, तो ये वैल्यू रखने पर ही आ जाता है। इसको हम ये लिख सकते हैं, इसको हम अगर ये लिखना चाहें डी स्क्वायर बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर पूरी सिंपलिसिटी के लिए, ए डी डी वी अपॉन डी एक्स स्क्वायर ए डी यू है तो ए यू टू प्लस ए वन यू वन प्लस बी वी टू प्लस बी वन वी वन ये इसको हम ये लिख सकते हैं इस तरह से। ये डिफ्रेंशिएशन शो कर रहा है कि ये कितनी बार डिफ्रेंशिएट हो रहा है, ये कितनी बार हो रहा है, इस तरह शो कर रहा है, तो इसको हम इसमें रख देते हैं, ये वैल्यू रख देते हैं, तो यह जाता है अपने पास ए यू टू प्लस ए वन यू वन प्लस बी वी टू प्लस बी वन वी वन ये आ गया। प्लस अब इसमें पी का मल्टीप्लाई है डी वाई अपॉन डी एक्स, डी वाई अपॉन डी एक्स क्या है अपने पास ए यू वन प्लस बी वी वन प्लस पी ए वन सॉरी यू यू ए वन प्लस वी बी वन ये आ गया। अब ये अपने पास आ गया क्यू वाई, तो ये रख देते हैं प्लस क्यू वाई था अपने पास ए यू प्लस बी वी इक्वल टू आर ये आ गया अपने पास। अब फ्रेंड्स हम प्रत्येक टर्म में से ए कॉमन लेने की कोशिश करते हैं, तो ए लेने की कोशिश ए कॉन्स बाहर लेने की कोशिश की तो ए आ गया अपने पास, ये आ गया यहाँ से यू टू प्लस ये अपने पास क्या था, ये अपने पास सॉरी फ्रेंड्स ये तो अपने पास 0 आया, लेकिन डी वाई अपॉन डी एक्स था ये था ए यू वन, ये अपने पास जो आया था ये हमने गलत लिखा है, ये लिखा सही है लेकिन इसका नोटेशन हमने यहाँ पे ये वाला ले लिया है, गलत ले लिया है, तो इसको हमने यहाँ लेना है नोटेशन लेना है यू वन ए मतलब यू वन ए प्लस वी वन बी ये नोटेशन लेना था, तो इससे ये अपने पास ए कॉमन आया तो प्लस पी यू वन ये आ गया प्लस यहाँ से क्यू यू प्लस यहाँ ए आ गया। अब पी बी कॉमन लेते हैं तो बी आने बी कॉमन लेने पर ये आ जाएगा वी टू प्लस पी वी वन प्लस क्यू वी ये आ गया प्लस ए वन यू वन प्लस बी वन वी वन इक्वल टू आर ये आ गया अपने पास। अब ये आ गया अपने पास तो ए वन बी वन इसको हम और सोल्व करते हैं, तो अपने पास जो हमने शुरू में जो कंडीशन निकाली थी वो थी अपने पास कि यू टू पी यू वन प्लस क्यू यू इक्वल टू 0 हो रहा था एंड वी टू प्लस पी वी वन प्लस क्यू वी टू ये दोनों 0 होते हैं, ये 0 हो जाएंगे, तो अपने पास जो बचा है वो है बस ए वन यू वन
प्लस बी वन वी वन इक्वल टू आर, ये अपने पास इक्वेशन आ गई है, इसको हम इक्वेशन नंबर 9 दे देते हैं। अब हम इक्वेशन नंबर 6 एम 9 को मैट्रिक्स विधि से हम सॉल्व करते हैं, तो अपने पास जो आती है वो कंडीशन आती है, वो होती है अपने पास ए वन अपॉन माइनस वी बराबर बी वन अपॉन यू इक्वल टू आर यू वी वन माइनस वी यू वन। ये फ्रेंड्स हमें मैट्रिक्स विधि से जो सॉल्यूशन किया था, मैट्रिक्स विधि से हम पहले भी बता चुके हैं मैट्रिक्स विधि, इससे अपने पास इसको हम और सॉल्व करते हैं तो यह आता है डी ए अपॉन डी एक्स इक्वल टू ए वन, और ए वन बराबर क्या आ जाता है, ए वन इसको इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो यह आता है अपने पास माइनस वी आर अपॉन यू वी वन माइनस वी यू वन ये आ जाता है। एंड डी बी अपॉन डी एक्स वो आ जाता है अपने पास बी वन, डी बी अपॉन डी एक्स बराबर बी वन था तो यू का इधर मल्टीप्लाई कर दिया तो आ जाता है यू आर अपॉन यू वी वन माइनस वी यू वन, ये आ गया अपने पास। यहाँ हम देख सकते हैं कि जो यू और वी है ना, यू यू एंड वी, अपने पास यू एंड वी ये दोनों ये घातीय स्वतंत्र हैं, इसलिए कभी भी इसके सॉल्यूशन के लिए ये यू वी माइनस वी यू वन इक्वल नॉट जीरो होना चाहिए, कि जीरो हो गया तो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करेगी, सॉल्यूशन नहीं हो जाएगा। जो ये कहलाता है ये कहलाता है रोन्सकियन, रोन्सकियंस मैट्रिक्स होता है, डब्ल्यू रोन्सकियंस को डब्ल्यू से शो करते हैं, जो होता है अपने पास यू वी यू वन और वी वन ये इक्वल नॉट जीरो होना चाहिए। अब इससे हम सॉल्व करने पर जो ए बराबर हम इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं तो ए बराबर आ जाता है अपने पास माइनस बाहर इंटीग्रेशन ऑफ वी आर यू वी वन माइनस वी यू वन ये आ जाता है। एंड बी बराबर जो आ जाता है वो आ जाता है अपने पास यू आर यू वी वन प्लस यू वी वन माइनस वी यू वन ये आ जाता है। इसको तो हम इसको हम ले लेते हैं एफ एक्स, कोई एफ एक्स का फलन आएगा प्लस सी वन, इसको ले लेते हैं एफ जी एक्स प्लस सी टू ये आ गया अपने पास। अब ये मान हम जो क्वेश्चन नंबर 4 थी ये वाई बराबर ए यू प्लस बी वी, क्योंकि ए और बी के वैल्यू आ चुके हैं उसमें रख देते हैं, तो इसमें रख देने पर ये आ जाते हैं अपने पास वाई बराबर यू एफ एक्स प्लस वी जी एक्स प्लस सी वन यू प्लस सी टू वी, जो कि समीकरण का कंप्लीट सॉल्यूशन होता है, जो कि यू एफ एक्स प्लस वी जी एक्स प्लस वी वन सी वन वाई प्लस सी टू वाई ये समीकरण का कंप्लीट सॉल्यूशन होता है। अब इसको हम और अच्छी तरह समझने के लिए एक दो एग्जांपल लेते हैं। फ्रेंड्स ये अपने पास एग्जाम जो प्रॉब्लम दी गई है ये है एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स। फ्रेंड्स इसी को हम मैं आपको जो सजेशन देना चाहूँगा वो होगा मेरे ये वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स मेथड है, इस विधि से तभी सॉल्व करें जब दिया हुआ हो ऐसे इक्वेशंस को, क्योंकि ये इक्वेशन उसमें भी हो सकती है कि इसको कॉन्स्टेंट गुणांकों वाले मैट्रिक्स वो बना लें, द्वितीय कोटि का बना लें, मतलब एक्स बराबर हम मान लें बाई जेड बराबर लॉग एक्स मान लें, तो उस विधि से भी ये सॉल्व हो सकता है, जैसे कॉन्स्टेंट गुणांक वाली इक्वेशन में बदल जाएगी, द्वितीय कोटि इक्वेशन में बदल जाएगी, उससे हम सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन अब हमें यहाँ हम पहले पढ़ चुके हैं इसको कैसे सॉल्व करते हैं, यहाँ आप हमारे पुरानी वीडियो में जाके देख सकते हैं, या हमने सबसे पहले जो स्टार्टिंग टॉपिक था वो इसी का था। अब ये इसको हम वेरिएशन ऑफ पैरामीटर की विधि से हेल्प करते हैं, तो वेरिएशन ऑफ पैरामीटर से सॉल्व करने के लिए हमें सबसे पहले इसका सी एफ चाहिए, जो सी एफ निकालने के लिए हमें करना होगा इसका जो राइट हैंड पक्ष है उसको जीरो करना होगा, तो यह जाता है एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस वाई इक्वल टू जीरो। लेकिन यहाँ से अब हमारे पास कोई हम सी एफ निकाल नहीं सकते इजीली, क्योंकि हमारे पास जो द्वितीय कोटि का समघात समीकरण है, तो समघात समीकरण है तो इसमें हम जेड बराबर लॉग एक्स मान सकते हैं। मैं आपको जो सजेशन दे रहा था वो दे रहा था मैंने लॉग एक्स बराबर पूरे इसमें लॉग एक्स जो ये सजेशन निकालने के बाद सिंपली उसी से सॉल्व करें, ना कि हम सी एफ को आगे निकालें।
तो जेड वाई लॉग एक्स सी एफ के लिए मान लिया हमने, तो जेड वाई लॉग एक्स मानते हैं तो ये आ जाता है अपने पास, ये इक्वेशन जो चेंज होती है वो हो जाती है डी डी माइनस वन, ये तो डी डी माइनस वन हो गया, प्लस ये हो गया अपने पास डी माइनस ये वन वाई इक्वल टू जीरो, वेयर डी बराबर डी अपॉन डी जेड, ये बदल चुका है। तो इसको हम खोल के लिख सकते हैं डी स्क्वायर माइनस डी, तो ये कट जाएगा माइनस वन वाई इक्वल टू जीरो। अब इसका सहायक समीकरण होगा वो होगा एम स्क्वायर माइनस वन इक्वल टू जीरो, सी एफ के लिए सहायक समीकरण जरूरी है, तो एम बराबर आ जाता है अपने पास प्लस माइनस वन, तो इसे सी एफ बराबर हम लिख सकते हैं सी वन ई की पावर जेड प्लस सी टू ई की पावर माइनस जेड, ये लिख सकते हैं। लेकिन जो हमारे पास सी एफ ये था, ये जेड तो हमने माना है, तो जेड बराबर ये लॉग एक्स है, तो जेड बराबर लॉग एक्स लिख देते हैं सी वन ई की पावर लॉग जेड प्लस सी टू ई की पावर माइनस लॉग जेड, तो लॉग उसको वन बाई जेड लिख सकते हैं, ये आ जाएगा सी वन एक्स सॉरी एक्स एक्स सी वन एक्स प्लस सी टू एक्स इनवर्स, ये अपने पास सी एफ आ गया, बाई बराबर सी एफ आ गया ये अपने पास। अब इक्वेशन नंबर इसको हम टू दे देते हैं, इक्वेशन नंबर फर्स्ट ये है अपने पास, ये है फ्रेंड्स। तो इससे अब हम मान के चलते हैं, लेट लेट वाई बराबर ए एक्स प्लस बी एक्स इनवर्स, ये है ना, ये इसका कंप्लीट सॉल्यूशन है, कंप्लीट सॉल्यूशन है, जहाँ ए और बी कांस्टेंट हो सकते हैं और एक्सप्रेशन हो सकते हैं। अब हमें ए और बी ज्ञात करना है, इसके लिए हम सबसे पहले डी वाई अपॉन डी एक्स निकालते हैं, तो वो आ जाता है अपना डी वाई अपॉन डी एक्स निकालते हैं तो वो आ जाता है अपना एक्स को ए को छोड़ के ए प्लस, क्यों एक्स को ए को छोड़ के एक्स का रिप्रेजेंटेशन किया तो वो अपने पास वन आ गया, इस बार एक्स डी ए अपॉन डी एक्स प्लस बी को छोड़ के इसका डिफ्रेंसिएशन किया तो ये एक्स पर माइनस टू आ गया माइनस साइन के साथ, प्लस एक्स इनवर्स को छोड़ के डी बी अपॉन डी एक्स, ये आ गया अपने पास। अब यहाँ हम अपने पास जो ए और बी इसका हम चेंज किस प्रकार से करते हैं, ए और बी का चेंज जो करते हैं वो इस तरह से करते हैं कि अपने पास ये एक्स डी ए अपॉन डी एक्स प्लस एक्स इनवर्स डी बी अपॉन डी एक्स इक्वल टू जीरो हो जाए, इस तरह से चेंज करते हैं, तो ये अपने पास जीरो हो गया। इसके जीरो होने के बाद ये अपने पास डी वाई अपॉन डी एक्स जो बच गया वो है अपने पास ए माइनस बी एक्स पावर माइनस टू, ये बच गया अपने पास। अब हम इसमें फिर से डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो ये डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर बराबर ये आ जाता है अपने पास डी ए अपॉन डी एक्स माइनस डी बी अपॉन डी एक्स, क्यों एक्स इसको छोड़ दिया एक्स पर माइनस टू को, तो ये एक्स पर माइनस टू माइनस एक्स पर की बार माइनस टू का करना है तो एक्स पर माइनस टू का होगा तो माइनस साइन आगे आएगा तो प्लस कर देगा इसको, तो प्लस हो जाएगा। बी को छोड़ दिया माइनस साइन आगे आ गया तो टू एक्स पर माइनस थ्री, ये हो गया। अब हम ये जो माने अभी जो मान आए हैं अपने पास, इसको हम इक्वेशन नंबर थ्री दे देते हैं, ये डी वाई अपॉन डी एक्स डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू आएगी, डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू आएगी और बाई की वैल्यू है अपने पास, तो ये जो वैल्यू होती है हम इक्वेशन नंबर जो अपने पास वन होती है उसमें रख देते हैं, इसमें रख देते हैं जो गिवन सॉल्यूशन ये होता है इसमें रख देते हैं, तो ये आ जाता है अपने पास एक्स स्क्वायर डी ए अपॉन डी एक्स माइनस डी बी अपॉन डी एक्स 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 पर माइनस टू प्लस टू बी एक्स पर माइनस थ्री प्लस ये एक्स और ये इसकी वैल्यू डी वाई अपॉन डी एक्स की ए माइनस बी
एक्स पावर माइनस टू प्लस वाई की वैल्यू थी वो थी ए एक्स प्लस बी एक्स इनवर्स, ये थी अपने पास, ये बी ए एक्स प्लस बी एक्स इनवर्स ये रख दिया अपने पास। इक्वल टू जो अपने पास था एक्स स्क्वायर ई की पावर कितना, एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स, ये है। तो हमने एक्स स्क्वायर के दोनों तरफ डिवाइड कर दिया, सबसे पहले ये काम किया हमने, तो ये आ गया डी ए अपॉन डी एक्स माइनस डी बी अपॉन डी एक्स एक्स पर माइनस टू प्लस टू बी एक्स पर माइनस थ्री। एक्स से डिवाइड किया है तो एक एक्स जाएगा वो उसके अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो उसको लिख सकते हैं हम ए एक्स इनवर्स माइनस बी एक्स पर माइनस थ्री, ये हो गया प्लस एक्स स्क्वायर का डिवाइड किया हमने तो ये आ गया अपने पास ए एक्स इनवर्स प्लस बी एक्स पर माइनस थ्री, क्योंकि ये वो हो जाएगा माइनस दो ऊपर जाएगा, तो ये हो गया अपने पास ई की पावर एक्स। अब हम देख सकते हैं ये बी ये कट गया, ये इससे ये कट गया और इससे ये कट गया। फ्रेंड्स अपने पास ये जो बाई बराबर था ये माइनस वाई, तो माइनस वाई की वैल्यू रखिए तो ये अपने पास माइनस में आएगा एंड ये माइनस में आएगा। इन दिस केस ये माइनस प्लस ये कट जाएंगे और ये माइनस माइनस, ये माइनस में आएगा ये माइनस में आएगा, तो इन दिस केस माइनस माइनस ये कट जाएंगे, माइनस एंड माइनस ये टू बी एक्स क्यूब आ गया तो ये कट गया। तो अपने पास इस कंडीशन में आ गया डी ए अपॉन डी एक्स माइनस डी बी अपॉन डी एक्स एक्स पर माइनस टू इक्वल टू ई पावर एक्स। इसको हम लिख सकते हैं ए वन माइनस बी वन ई की पावर ए वन बी वन एक्स की पावर माइनस टू इक्वल टू ई की पावर एक्स। इसको इक्वेशन नंबर फोर दे दिया हमने। अब फ्रेंड्स हमारे पास ये कंडीशन आ गई है, और ये कंडीशन और अपने पास एक कंडीशन ये पहले से थी, जो कंडीशन थी वो कहाँ गई फ्रेंड्स, ये कंडीशन थी अपने पास, ये कंडीशन थी एक्स, इसको हम लिख सकते हैं एक्स ए वन प्लस एक्स इनवर्स बी वन इक्वल टू जीरो, ये लिख सकते थे इसको हम इसी तरह से। तो ये दूसरी कंडीशन थी अपने पास एक्स ए वन प्लस बी मतलब एक्स इनवर्स एक्स ए वन एक्स इनवर्स बी इक्वल टू जीरो, ये कंडीशन थी। ठीक है फ्रेंड्स, अगर इससे हम ए वन की वैल्यू निकाल लें, हम इससे हम अगर हम बी की वैल्यू निकाल के चल रहे हैं हम, तो इसमें एक्स स्क्वायर दोनों तरफ से मल्टीप्लाई कर देते हैं, एक्स का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो एक्स स्क्वायर ए प्लस बी इक्वल टू जीरो, या बी बराबर आ गया अपने पास माइनस ए एक्स स्क्वायर, ये आ गया अपने पास, तो बी बराबर ये आ गया, तो अपने पास ये लिख देते हैं वैल्यू, सॉरी ए वन है बी वन है बी वन ए वन, तो ये आ गया अपने पास बी वन बराबर अपने पास ये आ गया ए वन माइनस ए वन एक्स स्क्वायर एक्स माइनस टू। हाँ फ्रेंड्स ये वैल्यू रखी हमने, इसमें हम ये वैल्यू रख रहे हैं माइनस ए वन, तो ये माइनस माइनस पहले प्लस हो जाएगा ए वन, और ये आ गया ए वन एक्स स्क्वायर आएगा और एक्स माइनस टू तो वो वन हो जाएगा इक्वल टू ई की पावर एक्स, ये आ गया अपने पास ए वन इक्वल टू वन बाई टू ई की पावर एक्स। इसको हम क्वेश्चन नंबर फाइव दे देते हैं, और अब इसी तरह हम बी के लिए सॉल्व करते हैं, तो बी के लिए हम सिंपली यहाँ पे रख देते हैं ए वन की वैल्यू रख देते हैं, तो बी बी वन बराबर आ जाता है ए वन की वैल्यू यहाँ पे हम रख देते हैं तो वो आ जाता है माइनस वन बाई टू, ये आ गया ई की पावर एक्स एक्स स्क्वायर, ये क्वेश्चन नंबर दो दे देते हैं। अब हमें ए वन और ए टू की वैल्यू ज्ञात करनी होती है, तो ए वन का तो सिंपल है, ए वन बराबर क्या था अपने पास डी ए अपॉन डी एक्स, ए की वैल्यू ज्ञात करनी होती है, और ये अपने पास ए वन बराबर था वन बाई टू ई की पावर एक्स वन बाई टू ई की पावर एक्स, जिससे ए वन बराबर आ गया अपने पास, इंटीग्रेशन कर देंगे तो वन बाई टू ई की पावर एक्स प्लस सी वन, ये आ गया ए बराबर आ गया अपने पास ए बराबर,
और dA1 dB1 अपॉन dx बराबर क्या था अपने पास, -1/2 एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स। ये रहा अपने पास B1 है, B1 बराबर dB1 dB अपॉन dx होता है, तो -1/2 एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स। या इसको हम लिख सकते हैं b बराबर इंटीग्रेशन ऑफ -1/2, बाहर ले लो, एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स ऑफ dx। इसका इंटीग्रेशन करते हैं, इसका इंटीग्रेशन 1/2 मतलब 1 को छोड़ के सेकंड का इंटीग्रेशन, सेकंड को छोड़ के 1 का, वो उस मेथड से करते हैं, फर्स्ट डॉट सेकंड वाले मेथड से। तो b बराबर आ जाता है -1/2, बाहर ले लो। हमने सबसे पहले एक्स स्क्वायर को छोड़ दिया, इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन dy अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर इंटीग्रेशन e की पावर एक्स डी एक्स डी एक्स। तो इससे आ गया -1/2 एक्स स्क्वायर e की पावर एक्स माइनस इससे 2x e की पावर एक्स ऑफ डी एक्स, ये आ गया। तो इसको हम और सॉल्व करते हैं, तो -1/2 एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स माइनस 2, इस बार हमने इसी में एक्स को छोड़ दिया और ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन किया, तो ई की पावर एक्स आ गया। माइनस से ये माइनस है तो माइनस हो गया साइन। अब ये प्लस इसे माइनस आएगा इस सूत्र के अकॉर्डिंग, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, बट ये हमने माइनस का जो अंदर मल्टीप्लाई करना होता है वो हो जाएगा प्लस, और जो ये 2e की पावर x ही आ जाएगा। इसको हम लिख सकते हैं -1/2 एक्स स्क्वायर माइनस 2x + 2e की पावर x, ही आ गया अपने पास। अपने पास a1 की वैल्यू, a की वैल्यू आ चुकी है ये, एंड b की वैल्यू आ चुकी है, और y बराबर अपने पास जो सॉल्यूशन था, y बराबर अपने पास सॉल्यूशन था वो था अपने पास au + bb, ये अपने पास सॉल्यूशन था, ये अपने पास सॉल्यूशन था au + bb। फ्रेंड्स ये सॉल्यूशन था हमारे पास, au अपन bb, तो अपने पास जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है उसका सॉल्यूशन होता है, सॉल्यूशन था c1x + c2x इनवर्स। ये लेके चले थे हम, तो ये लेके चलने पे अपने पास ये a और b की वैल्यू आ चुकी है अपने पास, तो y बराबर इसको हम लिख सकते हैं ax + bx इनवर्स, या y बराबर आ जाता है अपने पास सॉल्यूशन जो आ जाता है वो अपने पास a की वैल्यू रख दो अपने पास 1/2e की पावर x + c1x + b की वैल्यू रख दो माइनस बार कॉमन प्लस c2, ये रहेगा c2 रहेगा यहाँ पे, ये तो ये आ गया अपने पास -1/2 x² - 2x + 2 + c2 और x² - 2 - 1। ये जो इसका सॉल्यूशन आया है, साथ में इसमें e की पावर x का मल्टीप्लाई हो रहा है, e की पावर x, ये जो सॉल्यूशन आया है वो इसका स्टैंडर्ड सॉल्यूशन है। हम इसको आगे भी सॉल्व करके सॉल्व के अलग अलग फॉर्म बना सकते हैं, लेकिन वो फॉर्म बनाना जरूरी नहीं होता। जो हमारे पास सॉल्यूशन सब ये y बराबर जो x का फंक्शन होना चाहिए वो है अपने पास, हम चाहे तो e की पावर x को कॉमन लेके या फिर x इनवर्स इनका मल्टीप्लाई अंदर करके कर सकते हैं कुछ भी, लेकिन इसे करने कोई मतलब नहीं होता, क्योंकि सॉल्यूशन का जो मेन फॉर्म होता है अपने पास ये होता है कि y बराबर कोई भी fx फलन आना चाहिए। अब fx कई लोग ऐसे देखते हैं कि y बराबर fx तो आ गया लेकिन बुक के अकॉर्डिंग सॉल्यूशन नहीं मिल रहा, तो उसमें आप ज़्यादा चिंता मत कीजिए, बुक के अकॉर्डिंग सॉल्यूशन नहीं मिला कोई बात नहीं, ये जो सॉल्यूशन आया है इसको सीधा जो डिफरेंशियल इक्वेशन हमारे पास दी हुई हुई है, ये दी हुई थी x² d² y / dx² + x dy / dx - y = x² e की पावर x। इसमें ये रख दीजिए, अगर इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर गया आपके वाली बुक में कुछ भी आंसर हो, ये आपका सॉल्यूशन इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर गया, तो आपके द्वारा जो निकाला गया सॉल्यूशन है वो सही है। अब आप इसको आराम से चेक कर सकते हैं कि जो अपने पास जो सॉल्यूशन निकाला गया होगा सही होगा, ये खुद चेक कीजिए। थैंक यू वेरी मच।